It was yet another medal-filled day for India on the ninth day of the Commonwealth Games 2022 in Birmingham. Wrestlers led by stalwarts like Ravi Dahiya and Vinesh Fogat gave India plenty to smile as they bagged the top prize. The day began on a brilliant note for India, with Ravi Dahiya winning the gold medal in the 57 kg freestyle event. The Tokyo Olympics silver medalists gave India their fourth gold medal in wrestling. On the other hand, Vinesh Fogat made a dramatic comeback after a tough couple of years. Vinesh won her third straight Commonwealth Games gold by winning the women's 53 kg freestyle in the Nordic system. It was a hat-trick of gold medals for India in wrestling as they got the better of Pakistan. Naveen, in the 74 kg category, defeated Mohammad Sharif Tahir 9-0 to give India their third gold medal for the day. Pooja Gehlot secured the bronze medal in the 50 kg wrestling category. However, a golden opportunity was missed as she was 9 seconds away from securing the silver. But there was no problem for Pooja Sehag as she decimated Naomi De Bruyne of Australia 10-0 to win the bronze in the 67 kg category. The day ended on a dominant note for India's wrestlers, with Deepak Nehra once again ensuring India beat Pakistan on the grand stage. Nehra defeated Tayyab Raza of Pakistan 10-2 to secure the third bronze for India on day 9. Olympic silver medalist Ravi Dahiya clinched his first Commonwealth Games gold medal in Birmingham as he defeated his Nigerian counterpart 10-0 in the men's 57 kg final. After his win, Ravi talks about his training and how he was focused to win gold for the country. Listen in to this exclusive conversation with our correspondent Nitin Srivastav. भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है, एक के बाद एक जो गोल्ड मेडल्स आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ रवि हैं, रवि को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। रवि भाई, घर से ही आप ये प्लान करके चले थे यहाँ पे गोल्ड से कम कुछ नहीं चाहिए? देखो भाई साहब, लगे टारगेट एक टेक के आए थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। पहले से एक गोल बनाया था कि हम वापस जाएंगे और देश के लिए गोल्ड जीतेंगे। आपने तीनों जो मुकाबले खेले, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, तीनों आपने टेक्निकल सुपरियोरिटी से जीते है ना, इसके किस तरीके से आपने तैयारी की थी या फिर आप ये मान के चल रहे थे कि मुझे कम से कम सेकंड्स में मुकाबले जीतने हैं? देखो भाई, सब कभी ऐसा तो सोच के नहीं आते कि कम से अगर हम कम के उसमें जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि बाउट इधर उधर भी हो जाती है। तो एक टारगेट के साथ आए थे कि अपना 100% देना है और बहुत अच्छी, मतलब अच्छी दिमाग से बाउट खेलनी है, और वो तकरीबन आज पूरा हुआ। टोक्यो से अगर बात की जाए यहाँ तक कॉमनवेल्थ गेम्स तक, आपने बहुत हार्डवर्क किया है। टोक्यो के बाद आपने बहुत सारा वक्त भी अपनी ट्रेनिंग के ऊपर में दिया था, वेट भी आपने कट किया, ये सारी चीजें आपने कैसे जो है मैनेज की? आपने आपको दिमागी तौर पे कितना मजबूत किया? देखो भाई साहब, एक टारगेट के साथ लगे हुए थे कि एक देश के लिए जाना है। अच्छा, ऊपर सपोर्ट होता है, देखो कोचिज का सपोर्ट होता है, फ्रेंड्स होते हैं उनका सपोर्ट होता है, और मैं तो एक मोटिवेटर है विक्रांत महाजन जी, जो मतलब उनके काफी संपर्क में हूँ कि किस तरीके से एक आप टारगेट बनाओ और टारगेट को किस तरीके से पूरा किया जाए। तो एक अच्छे पूरी टीम के साथ चले हुए हैं और कोशिश रहेगी जहाँ भी खेलें देश के लिए गोल्ड जीतें। आखिरी कुछ सवाल रवि भाई, आप छत्रसाल में भी जब आप रहते हैं ना, तो आप जो जूनियर जो हमारे रेसलर्स हैं उनको भी आप अपने पास बुला लेते हैं कि जी आओ मेरे साथ ट्रेनिंग करो, तो ये जो आप जनरेशन वाइज जो आप ना अपनी जो स्किल्स हैं, जो आपने आपके पास जो कला है रेसलिंग की, वो जो बताते हैं, आपको लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ है, हमारे आने वाले जो रेसलर्स हैं उनके लिए बहुत काम आएगा आप जैसे खिलाड़ी के साथ वो ट्रेनिंग करना? देखो भाई साहब, यही होता है कि रेसलिंग में तो आप अकेले तो वैसे भी नहीं कर सकते, आपको स्पारिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि रेसलिंग एक ऐसा गेम कि आपको जितने ज़्यादा स्पारिंग मिलेंगे उतनी अच्छी आपकी भी ट्रेनिंग होगी और साथ में उनकी भी होगी। तो ये यही रहता है कि आप भी, हम भी खुद अच्छा करें और जो साथी वाले खिलाड़ी हैं वे भी देश के लिए बहुत अच्छा करें। रवि भाई, रेसलिंग में आप इतने ज्यादा फोकस रहते हैं, आप घर भी बहुत कम जाते हैं, मम्मी पापा से भी बहुत जो कम मिलते हैं, चाहे त्यौहार हो तो भी एक घंटा दो घंटे के लिए जाते हैं, ये जो डिटर्मिनेशन है ये कैसे ले आते हैं, ये जो मतलब आप फोकस है आपका गेम को लेकर? देखो भाई साहब, वो मैंने बताया था ना कि जो फ्रेंड्स हैं, कोचेज हैं, विक्रांत जी हैं, तो उनका एक टारगेट रहता है कि किस तरीके से आप एक गोल बनाओ, उसके बाद पहले देश के लिए कुछ इतना अच्छा किया जाए, उसके बाद फिर सारा समय तो उन्हीं के लिए है ना, तो फिर वो उसके लिए भी तैयार करेंगे। It's a hat-trick of Commonwealth Game gold medals for Vinesh Fogat as she defeated her Sri Lankan opponent in the final of the 53 kg freestyle wrestling. In an exclusive conversation with our correspondent Nitin Srivastav, she talks about how Olympics loss affected her and how her career phase has changed. जय हो, जय हो, जय हो, सिर्फ यही आवाज गूंज रही है यहाँ बर्मिंघम के रेसलिंग अरीना में। इस वक्त मेरे साथ विनेश हैं, गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये इनका तीसरा गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में। विनेश, क्या हुआ था, मतलब उस टाइम आपने जो दांव पकड़ा वो जीत के बाद ही छोड़ा?
वो मतलब रेसलिंग मैट की बात है, वो कभी कोई टेक्निक ऐसी लग जाती है और वो अच्छा आता है कि फोल बड़ा लग जाता है तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। 6 मिनट से पहले मैच को खत्म करो, और आज सारे दाम अच्छे लगे, मतलब जो सोच रखा था वो जल्दी जल्दी मैंने निपटा दिया, तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है। अपने इस मैच के लिए ना जब आते हैं आप ना मैट के ऊपर में, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, वो टाइम कितना क्रूशियल होता है वो थोड़ा बताइए। एक बार 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में सुशील पहलवान जी ने मेरे को बोला था कि जब आपका हार और जीत, जब आप मैट से और वहाँ मैट अंदर के जो वार्म अप एरिना से लेके मैट तक जाओगे ना, तब आप अपने आप के साथ में क्या बातें करें वो आपका हार और जीत डिसाइड करेगा। तो वो बात मैं हमेशा याद रखती हूँ, और मेरे साथ हमेशा मतलब मैं वो एक एक ही एक थॉट है कि मतलब इतने बड़े पहलवान ने अगर बोला, और वो मैंने इम्प्लीमेंट भी करके देखा, वो हुआ है। उससे पहले बहुत थॉट आते हैं कि हारोगे जीतोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो उस टाइम में अपने आप से बात करना, अपने आप को कि हाँ नहीं मेरे को जीतना है, कैसे जीतना है, सिर्फ जीतना है, कैसे भी करके जीतना, यू नो, सिर्फ जीतने की बातें करना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे को हेल्प करता है उस चीज़ में। तो उनकी एक सीख मेरे को मतलब काफी काम आ रही है। हाँ जी, आपके ना करियर में बहुत सारा उतार चढ़ाव जो है वो आया है, चाहे वो रियो की बात रही हो, फिर टोक्यो की बात रही हो, उसके बाद इंजरी रही हो, ये समय जो है ना बहुत क्रूशियल होता है एक एथलीट के लिए, अपने आप को संभालना ना, चाहे वो दिमागी तौर पर हो, शारीरिक तौर पर हो, आपके लिए कितना मुश्किल रहा था ये समय? काफी मुश्किल रहता है जी, और हर एक एथलीट किसी ना कोई कोई फिजिकली ज्यादा स्ट्रगल करता है, कोई मेंटली, मैं दोनों चीजों से ज्यादा करती हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे मतलब अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मेरे को पता है कि मैं बचपन से देखती आई हूँ कि मेरे को हमेशा मिलता है, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद मिलता है, तो वो संघर्ष करने से मेरे को मतलब डर नहीं लगा कभी, यू नो, तो संघर्ष करके भी अगर मिल रहा है तो काफी लोग, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग बेचारे संघर्ष भी करते लेकिन मिलता नहीं। मैं तो लकी हूँ इस चीज में कि मैं संघर्ष के बाद ले तो रही हूँ ना, तो वो मेरे को मतलब काफी एक पॉजिटिव वे में मैं अपने आप को रखती हूँ कि भगवान मेहनत का रखता तो नहीं है मेरा, वो दे रहा है, तो मैं सिर्फ की मेहनत ही करनी है, बस उसी मेहनत से ही लेना है जो लेना है। आपको ऐसा लगता है कि अविनेश यहाँ से आपका जो अभी करियर है वो एक नए सिरे के ऊपर में, एक नए रास्ते के ऊपर में जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास सबसे बड़ा जो मौका है जिसकी आपको तलाश है वो है पेरिस की? डेफिनेटली, क्योंकि जब कोई एथलीट ओलंपिक्स जैसे सब मतलब स्टेज पे जाके हार जाता है, जबको पता है कि वो मतलब डिजर्व करता है वहां पे रहना, और उसके बाद वो हार को हजम करके मतलब होती नहीं है, तो वो मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन हाँ, अभी इससे वो जो कॉन्फिडेंस का इंडेक्स आ गया था या सेल्फ डाउट जो आने लग गए थे, कभी नहीं हुआ था मेरे साथ में, लेकिन हाँ अभी आए हैं, लेकिन वो एक पॉजिटिव वे में मेरे को ये चेंज करेगा, और मतलब प्राउडली मैं बोल सकती हूँ कि हाँ कि मैं अभी नेक्स्ट जो भी फेस होगा मेरी लाइफ का रेसलिंग में, तो वो मैं इंजॉय करूंगी, और मैं मतलब एक अच्छी चीजों को याद रख के आगे बढ़ूंगी। It was Naveen's first Commonwealth Games and he had a dream start as he clinched gold medal by defeating his opponent from Pakistan. The win, in fact, our correspondent Naveen, Nitin Srivastav caught up with Naveen and his coach and here's what they had to say. Pakistan ko parast karkar Naveen ne hasil kiya hai gold aur is waqt Naveen hamare saath hain. Naveen, aapko jo pata laga ki Pakistan ke saath aapka mukabla hai, under pressure the, aapko lag raha tha ki thoda ye zabardast mukabla hone wala hai ya Pakistan ko harana aapke liye aasan tha? नहीं, जब मैं बहुत फ्री माइंड से ही खेला हूँ, और जब पता चला मुझे पाकिस्तान के साथ बाउट है मेरी फाइनल, और तो मैंने इंडिया के लिए गोल्ड लाना, इसलिए बहुत जी जान से खेला। एक तो गोल्ड मेडल की खुशी और दूसरा उसके ऊपर से जो है पाकिस्तान के जैसे खिलाड़ी को हराना, ये दूसरा जो है खिलाड़ी जिसको हराया पाकिस्तान के लिए, ये आप कैसे देखते हैं? ये जो मैंने पता चला फाइनल बाउट पाकिस्तान के साथ, मैं इसको हराना, जो भी इंडिया रेसलर है जो दीपक पुनिया, उसने भी फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, और मैंने भी पाकिस्तान को बहुत दुगनी खुशी हो गई थी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना। मैंने अपने थोड़ा बाउट के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत कम समय में ही जो है आप लीड कर गए थे ना, उसके बाद आपने ये मुकाबला जीता, तैयारी जो है किस तरीके की थी? सब मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी, और जो ट्रेनिंग की जिस हिसाब से ट्रेनिंग की थी उससे बहुत अच्छी बाउट लड़ा, और बहुत अच्छे बाउट जीतना चाहा। कोच साहब, नवीन का ये जो है पहला जो है कॉमनवेल्थ गेम्स है, आपने क्या क्या टिप्स नवीन को दिए, क्योंकि यहाँ पर आकर जो है जो रेसलिंग है उसका हमेशा से डोमिनेंस रहा, आज भी हमने देखा कि क्लीन स्वीप है, 12 के 12 खिलाड़ी आए और सबके जो है मेडल्स। देखिए, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि हमारे 12 जो पहलवान थे पार्टिसिपेट कर रहे थे, 6 लड़के और 6 लड़कियां, और 12 के 12 में सभी ने मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, यानी कि 50% तो गोल्ड इंडिया के पास है। सबसे बड़ी बात यह है, और पिछले कुछ सालों में
जो हमारी फेडरेशन ने, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, टॉप्स ने, साई ने और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो खिलाड़ियों को जो भी चीज़ें चाहिए थी, जो उनकी ज़रूरत की थी, उनको बाहर ट्रेनिंग करनी थी, उनको पर्सनल कोच चाहिए थे, उनको पर्सनल फिजियो चाहिए थे या जो भी, वो सब पूरी की हैं। तो उसी का असर है कि हमारे जो पहलवान हैं अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और रही बात अभी कुश्ती की कि पाकिस्तान के साथ कुश्ती थी, ये हमारे वो एम वन नहीं था कि पाकिस्तान है, हमारा एम था कि हमने देश के लिए गोल्ड जीतना है। हमने हर जैसे चार कुश्तियाँ हुई हैं नवीन के, हर कुश्ती के बारे में हमने अलग तरह से रणनीति बनाई है उसकी, कौन पहलवान किस तरह से खेलता है, तो हमने उसकी काट क्या करनी है, कब हमने अटैक करना है, कब हमने डिफेंसिव रहना है, तो ये सारी रणनीति हमने बनाई थी नवीन को साथ में बैठा के। और वो जो बनाई हमने वो हमारी सक्सेसफुल हुई है। और नवीन का ये पहला कॉमनवेल्थ था, अभी यंग है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से खुशी कई गुना ज़्यादा होगी। India continued to pile on the medals on day 9 of the Commonwealth Games 2022 in Birmingham. Apart from wrestling, the Indian men's hockey team and women's cricket team advanced to the final to come one step closer to gold. But it was the performance in athletics that stole the show in Birmingham. In fact, Avinash Sable put on a superhuman performance in the 3,000-meter steeplechase event. Sable clocked up a national record and finished second in the event to settle for silver. For the first time in 28 years and 10 editions of the Commonwealth Games, there was a non-Kenyan athlete at the podium. History was also created in the 10-kilometer race walk, with Muzaffarnagar's Priyanka Goswami securing the silver medal. This is the first time that an Indian athlete has won a medal in the 10-kilometer walk. India continued to fare well in lawn bowls as they settled for silver. They lost to Northern Ireland 18-5 to win their second medal in the event in the Commonwealth Games 2022. The Indian women's cricket team ended their knockout jinx against England as they qualified for the final of the T20 cricket tournament. Smriti Mandhana 61, Jemima Rodriguez unbeaten 44, and two wickets from Sneh Rana helped India beat England by 4 runs. They will face Australia for the gold medal. India qualified for the final of the men's hockey team as they beat South Africa 3-2. Abhishek, Mandeep Singh and Jagraj Singh were the goal scorers. Now, Avinash Sable created history at the Commonwealth Games as he clinched the silver medal in the 3,000-meter steeplechase by ending Kenya's dominance. He talks about this historic moment with our correspondent Nitin Srivastav. Listen in. Avinash Sable, जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया स्टेपल चेज में, महाराष्ट्र के मांडवा गांव में जन्म हुआ, किसान परिवार में 6 साल की उम्र से इन्होंने रेस वॉक शुरू किया, या मैं बोलूं वॉक शुरू किया। एक वो वक्त भी था जब करीब 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, लेकिन सभी चुनौतियों से अविनाश ने लड़ाई की और आज कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर मेडल हासिल किया। अविनाश, बहुत बहुत बधाई आपको, काफी चुनौतीपूर्ण आपका सफर रहा है शुरुआत से, थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखो, मैं मतलब बीड डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, तो मेरा जैसे आष्टी तहसील में एक मांडवा करके छोटा सा गांव है, तो मतलब बचपन से ही गांव में रहा, तो बचपन से ही ये भाग दौड़ने की आदत तो बचपन से थी। हर कोई बोलता था यार तू थकता ही नहीं है दौड़ते समय, मुझे कोई काम बताता था तो मैं उसे दौड़ के पूरा करता था। मतलब मुझे जैसे ये करते बच्चे और बच्चे क्या पैदल चल के, ऐसे मुझे हर काम दौड़ के करना आसान लगता था। मुझे अगर जैसे खेत में जाने के लिए होता है तो मैं दौड़ के जाना मुझे पसंद था, स्कूल में जाना मुझे दौड़ के जाना पसंद था, तो टीचर देखते थे मुझे तू दौड़ के क्यों जा रहा है, तो मैं बोलता था मुझे चलने से आसान मुझे दौड़ना लगता है, तो मैं वैसे जाता था। मेरी स्कूल भी दूर थी तो पैदल जाना पड़ता था, तो तभी से मतलब मेरा अंदर का एक एथलीट का ये हुआ था कि नहीं, जैसे टीचर मेरे जो टीचर थे उन्होंने बोला था कि नहीं आप जाके मतलब अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे एथलेटिक्स में या इसमें, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा क्योंकि मैं कभी अच्छा कर ही नहीं पाया जूनियर में, या कभी मतलब कभी अच्छा नहीं कर पाया। मैं कभी सोचा भी नहीं कि जैसे कि मैं कभी नेशनल में भी मेडल जीत सकता हूँ, मैंने कभी नहीं मुझे लगता था। आज आपका नेशनल में रिकॉर्ड भी है। आज मतलब देखो रिकॉर्ड है, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं ये या स्टेट लेवल पे मैं कभी फर्स्ट नहीं हो पाया था आर्मी में जाने से पहले, तो लेकिन मैं जैसे महाराष्ट्र का ये था क्रीडा प्रबोधिनी उसमें था, तो लेकिन मैं कभी अच्छा नहीं कर पाया शायद, पता नहीं, लेकिन
जैसे हमारे इसमें कुछ अलग लिखा होता है, शायद मुझे उस समय कुछ मिल जाता जूनियर में, तो मैं शायद ही आर्मी में जाने के बाद कुछ नहीं करता। तो जो भी चीज़ें होती है, तो मुझे लगता है ये हर किसी की किस्मत में लिखी होती है। मुझे ऐसे ही लगता है कि मुझे उस टाइम से मुझे नहीं मिला, मैं उससे ये हूँ, तो मुझे जो भी चीज़ मुझे नहीं मिलती है, तो मैं उस चीज़ को मोटिवेशन के तौर पर लेता हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली है तो भगवान ने मेरे लिए कोई अलग प्लान किया होगा, कि नहीं ये अगर नहीं मिली है तो कुछ मेरे लिए बेस्ट प्लान होगा। तो मैं यही सोच के मेहनत करते रहता हूँ। एक और भी चीज है ना, आपने इसके लिए अपने वजन भी कम किया, 20 किलो के आसपास आपने वजन भी कम किया था। देखो मैं आर्मी में जब गया था तब मेरा वेट कम ही था जैसे, लेकिन जब आर्मी में जाते तो हम जैसे लगता है कि हम मतलब फिट हो, और जैसे जैसे आर्मी पर जैसे ये होता है जवान जवान होता है सॉरी उसकी तरह मैं रहूँ तो, लेकिन जैसे आर्मी की ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती है, तो उसमें भी मैं जैसे घातक प्लाटून में था उसमें भी काफ़ी मेहनत होती है, जैसे पीठ पे वजन लेके जब ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बहुत मजबूत बन गया था। तो मैं उसके हिसाब से अपना जैसे डेली की जो मेहनत थी तो उसके हिसाब से मेरा जो मैंने बॉडी बनाई थी, तो मुझे भी लगता था कि मेरी जैसे सोल्जर की तरह मैं ये लगूँ, स्ट्रांग लगूँ, तो मैंने काफ़ी वेट बढ़ाया था। तो मेरा 74 या 76 केजी के आसपास वेट था। तो लेकिन कुछ ऐसा टाइम आता है कि जब ये होता है, मैं ऐसे ही बैठा था एक दिन आर्मी के यूनिट में जैसे, तो फिर एक क्रॉस कंट्री का रेस आ रही थी, बोले अभी क्रॉस कंट्री हो रही है अविनाश, मतलब ये हो रहा है, तो मैं भी ये सोचा चलो दौड़ते ऐसे, लेकिन फिर बोले कि इतना आसान थोड़ी है, जब इतना वेट बढ़ा है तो कैसे दौड़ सकते हैं। तो लेकिन मैं उसमें स्टार्ट किया, तो मैं एक ही सोचा कि नहीं मुझे करना है। तो मैं जैसे रात को जैसे सुबह 3 बजे उठता था कि मुझे अलग से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि मेरा ज़्यादा वेट है, तो मैं ये सोचता था कि मुझे 3 बजे उठना है, एक बार 3 बजे दौड़ के आता था मैं, फिर क्योंकि मैं देखो नया सोल्जर था, तो जैसे मेरी ड्यूटी वगैरह आती थी, तो मतलब ड्यूटी वगैरह तो आती है देखो जो भी ये करना है, तो मैं उसमें ये हो गया था मुझे करना ही था, करना ही था, मैं जो टाइम मिलता था सुबह 3 बजे मुझे टाइम मिले मैं उसमें चला जाता था। शाम को मैं जैसे लोग सभी मेरे साथ वाले दोस्त खाना खाने जाते थे या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते थे घूमने के लिए, जैसे टाइम मिलता था फ्री, लेकिन मैं उस टाइम पे नहीं जाता था, मैं अपना ग्राउंड जाता था। आपकी पोस्टिंग सियाचिन में भी थी है ना, वहाँ पर भी आपने देश की जो है वो सेवा की, यहाँ पर भी आप जो एथलेटिक्स में जो है मेडल लाकर आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं, कितना आपको गर्व महसूस होता है? देखो मैं मतलब पहले तो अपने मतलब आर्मी के लिए ये था, मतलब कभी मैं सोचा भी नहीं एथलीट बनूंगा। वहां जाके मैंने जैसे ये किया कि आर्मी में जाके जैसे मैं ड्यूटी किया, मैं मतलब एक गर्व होता है कि मैं देश का एक जवान हूँ, और मैं वहाँ पे भी मैंने देश के लिए ये किया और करूँगा। मैं मेरा मतलब फर्स्ट ये है कि मैं आर्मी के लिए ही ये हूँ, और मैं जब भी ये करना है तो मैं आज भी एक आर्मी का जवान ही हूँ, और मुझे मतलब गर्व है कि मैं आर्मी में हूँ और मैं वहाँ पे भी ये कर रहा हूँ और वहाँ यहाँ पे भी देश के लिए मेडल जीता हूँ। बस थोड़ा सा दुख इस कॉम्पिटिशन से है कि देखो मैं गोल्ड नहीं जीत पाया, और मैं जो हमारा एंथम होता है उसको नहीं बजा पाया, तो अगले कॉम्पिटिशन में मेरा यही टारगेट रहेगा कि मेरे को गोल्ड जीतना है, और ताकि मैं जब पोडियम पे खड़ा रहो और हमारा राष्ट्रगान बजे, बस मेरी यही है। आखिरी सवाल है अविनाश भाई, प्रधानमंत्री हमारे हर एथलीट को हमेशा जो है वो प्रोत्साहित करते रहते हैं, आज भी उन्होंने आपके लिए जो है वो ट्वीट करके आपको बधाई दी है, ये जो उनका आप कह सकते हैं कि ना जो व्यवहार है आप उसको कैसे देखें? देखो मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री जी है, मतलब ऐसे मैंने कभी नहीं देखा कि जब देखो अभी भी हमसे मतलब आने से पहले बात की थी उन्होंने, जैसे अभी आने से पहले बात हुई थी, तो मतलब काफ़ी मोटिवेशन हुआ उनसे बात करने के बाद कि देखो मतलब मैंने अब ऐसे कभी नहीं देखा था कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमसे एथलीट को मोटिवेट करते हैं। देखो ओलंपिक्स के बाद जैसे टोक्यो के बाद हम आए थे, तो हमें उस वहाँ उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया था दिल्ली में, तो हमें लगा ही नहीं कि हम मेडल जीत के नहीं आए।